अधिराज नामर्द नहीं है, ये बस एक रूमर है जो आदि के दुश्मनों ने फैलाया। आपकी किचन क्वीन तानिया टंडन सही सलामत मिल गई है। किटी मिल गई? रियली? यार इतनी खुश हूँ ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सपना है कि हकीकत। बेबी तू सच में माँ बनने वाली है। पेशेवर जासूस हमारी हवेली में और हमें भनक तक नहीं है, कौन है वो? करिश्मा तलवार उर्फ केटी उर्फ झुमकी। रानी साहिबा ये हमारी नई खानसामा झुमकी है और आज से हमारे यहाँ भी रसोई का जिम्मा इन्हीं के हाथ में होगा। खम्मा गणी रानी साहब, झुमकी वो हमारी खानसामा, वो एक स्पाई है? जी हाँ योर हाइनेस, वो भेस बदलने में बहुत ही माहिर है और उसने देश विदेश न जाने कितने कारनामों को अंजाम दिया है योर हाइनेस, और वही हमारी जासूसी कर रही थी। भीम सिंह जी कहाँ है झुमकी? उसे अभी यहां पकड़ कर लाइए। जी योर हाइनेस। उसे यहां लाया कौन था? उसे हमारे पुराने कुक ने रिकमेंड किया था। बट योर हाइनेस आई एम श्योर ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ होगा। योर हाइनेस झुमकी तो राज तिलक से एक दिन पहले से फरार हो गई। यानी इधर राजा साहब का आगमन हुआ उधर झुमकी फरार। योर हाइनेस मामला कुछ और ही है। अभी हम आपका इशारा समझ रहे हैं, हमारा शक पहले से दुरुस्त था, यानी अरविंद सिंह सिर्फ एक मोहरा है, राजा साहब अदी के राज्याभिषेक रुकवाने आए थे, वो तो श्रेय है जिन्होंने उनकी बिछाई बाजी में शिकस्त दी। सनाया शाबाश, आपने हमें बहुत बड़ा सुराग दिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आप जैसे भी हो झुमकी का पता लगाइए और उसे पकड़िए, वो भी जिंदा। उसके हाथ में आते ही उसी की उपस्थिति में हम राजा साहब को बेनकाब करेंगे। जी योर हाइनेस। बप्पा अब इसमें केटी कैसे फंस गई? अब हम सबको कैसे बताएं कि केटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो हमारे लिए काम करती थी। हमें केटी से इंस्टेंटली कनेक्ट करना होगा। यहाँ मेरी लाइफ की वाट लगी हुई है और तुम लोगों को भी अभी मिलना था। अरे फिर से क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं नहीं अब तो तू अलवर घराने की ऑफिशियल महारानी बन चुकी है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर महारानी बन जाने से प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होते ना, इनफैक्ट और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गए। अब क्या हुआ क्वीनी? केटी के बारे में सबको पता चल गया कि केटी स्पाई है। ओह नो, अब फिर? फिर क्या, अब सबको ऐसा लग रहा है कि केटी हमारे घर के सारे सीक्रेट्स सासूमा के राइवल्स को बता रही है। अब ये बात तो सिर्फ मुझे पता है कि केटी मेरे लिए काम कर रही है, और ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बता सकती। अरे पर अब क्या? अब क्या, केटी सासूमा के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गई। ओके नो 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 रिलैक्स रिलैक्स, आई एम श्योर कि कुछ तू केटी को कॉल करके ये बात अपडेट कर दे। आई एम श्योर केटी खुद ही कोई सोल्यूशन निकाल देगी। हाँ भाई तो प्रॉब्लम है,
यार मैं केटी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ है, उसका फोन ऑपरेशन में ही नहीं है। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है यार, आदि को केटी के बारे में मैंने नहीं बताया, अब जब उनको पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। नो 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 नो, रिलैक्स रिलैक्स, ट्रस्ट मी, केटी ना बहुत स्मार्ट है। इफ आई नो हर, इस वक्त यहाँ पर हम बैठे बैठे तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे और वहां पर वो तेरे प्रॉब्लम को अंजाम दे रही होगी, ट्रस्ट मी। या राइट, और तू देखना वो तेरे को डेफिनेटली कॉल करेगी वेरी सून। आई होप सो। सुमित्रा बहन जी, सुमित्रा बहन जी कितने हो तुसी? ओहो सुमित्रा बहन जी, लख लख बधाइयां जी, लख लख बधाइयां दे पुत्तर। ओ मैनू ते पहले ही फीलिंग आ गई सी कि तान्या पुत्तर ना एक दिन माँ जरूर बनेगी। देख लो बन गई ना वो माँ। ओहो ते पुत्तर एल लड्डू खा, पता ढूंढ ढूंढ के ना बंगाली मार्केट से शुद्ध देसी घी के लड्डू लाइयो, खाले पुत्र खाले, बड़े महंगे हैं। ओहो बहन जी आप भी तो लो। अमृत बहन जी आप तो बस रहने दीजिए, आपके तो रंग ढंग ही मुझे समझ में नहीं आते। पहले तो आग लगाकर घर तोड़ती है और उसके बाद ये फजूल का गिद्दा करने के लिए चली आती। मैनू ते ना पहले ही फीलिंग आ गई सी कि आप अब तक ना मेरे से उसी बात पे नाराज हो जो मैंने देव पुत्र की दूसरी शादी के बारे में तान्या को जाके बता दिया था। बहन जी अगर मैं तान्या को उस दिन देव की दूसरी शादी के बारे में ना बताती तो तान्या कार छोड़कर कैसे जाती, और तान्या कार छोड़कर नहीं जाती तो रस्ते में उसको चक्कर कैसे आता, और अगर उसको रस्ते में चक्कर नहीं आता तो वो वहाँ पर बेहोश कैसे होती, और अगर वो वहाँ पर बेहोश नहीं होती तो डॉक्टर के पास कैसे जाती, और डॉक्टर के पास नहीं जाती तो डॉक्टर उसे कैसे बताता कि वो प्रेग्नेंट है। बहन जी अब ये तो वही बात होगी, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं, नेकी करो और दरिया में डाल। सत श्री अकाल आंटी जी। तान्या पुत्र बड़े हट, ओ पुत्र नजर ना लगे तेरे को, मेरी बेटी ले लड्डू खा, खाली खाली बड़े महंगे हैं। तेरे को ना किसी की नजर ना लगे, और देख लियो तेरी गोद भराई में मैंने वो सारी रस्में निभानी है जो मायके वाले निभाते, तू भी तो मेरी सोना पुत्र जैसी है। जब गोद भराई होगी ना तब आपको निमंत्रण दे दिया जाएगा, अभी आप यहाँ से चली जाइए। सत श्री अकाल। बहन जी मैनू तो पहले ही फीलिंग आ गई सी कि आप ना वो बंटवारे वाली बात को लेके अब तक मेरे से नाराज हो। सुमित्रा बहन जी आपकी कसम, जतिन सोना और बच्चे उनके फटे हाल मुझसे देखे नहीं जा रहे थे, इसीलिए मैंने वो बंटवारे वाली बात की थी। तान्या पुत्र अब तू ही समझाना बहन जी को, लोग अपना दुख दर्द किससे बांटते हैं, अपनों से ही बांटते हैं ना। सुमित्रा बहन जी आप मेरे अपने हो, इसीलिए मैंने आपसे बोला ना, अरे आपका ये खुशहाल परिवार छोड़कर वो सोना जतिन और बच्चे वहां गरीबी में जी रहे हैं, कितनी फिक्र होती होगी मेरे को, आप तो माँ है ना, समझती है ना सब। मम्मी जी प्लीज सोना और जतिन भैया को घर वापस बुला लीजिए ना। तान्या पुत्र तेरे में ना साक्षात देवी माँ का वास है, तभी तो बहन जी इसने सोना को वापस बुलाने की बात की है। पुत्र तू धन्य है, बस बहुत हो गई सोना की सेवा, अब तू माँ बनने वाली है, सोना आकर तेरी सेवा करेगी। यहाँ मैंने तो पहले ही फीलिंग आ गई सी, आखिर तू उसकी जिठानी है ना। ठीक है जतिन और सोना को बुला लो। अरे सुमित्रा परे हटो, सुमित्रा बहन जी इसी बात पे आप लड्डू से अपना मुंह मीठा कर। बहन जी चले गए, चलो कोई बात नहीं अब मैं ही लड्डू खा लेती हूँ, दे तो बाकी तू खा, चलो अब मैं चलती हूँ तैयारी करती हूँ, टाटा बाय बाय सी यू। सच में वैसे देव कितने शुभ कदम है ना हमारे बेबी के, हमारा बिखरा हुआ परिवार भी सिमट गया और क्वींस के बीच खिंची हुई लकीर भी मिट गई।
अच्छा टीटी कहाँ है? और तुम लोग तो मिले थे ना उससे, कैसी है वो? हाँ श्रेया, एक्चुअली वो टीटी के बारे में बात करने के लिए हमने तुझे बुलाया है यहाँ पे। ओके, सब ठीक तो है ना? हाँ टीटी ठीक है, बेटर भी है आगे से, लेकिन उसके लाइफ में और एक ट्विस्ट आ गया है। हे देवा यार, ये हम सब क्वींस के लाइफ में हो क्या रहा है? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ रहा है। एनीवे, तो अब हुआ क्या है? वो सुमित्रा आंटी है ना, सुमित्रा आंटी देव की दूसरी शादी के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रही। व्हाट, दूसरी शादी? और वो भी टीटी के होते हुए? एंड कैन यू इमेजिन, आज देव की सगाई होने वाली थी। हाउ कैन शी, यार वो ऐसे कैसे कर सकती है? यार इसीलिए तो वो घर छोड़कर चली गई थी उससे। अच्छा तो अब क्या? फिर हमने तानिया को ढूंढा और देव की दूसरी शादी ना हो इसीलिए देव के साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्लान किया है। और इस प्लान के बारे में इस वक्त सिर्फ हम तीन जानते हैं और देव जानता है। तानिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो क्या है? टीटी प्रेग्नेंट है और टीटी प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि हम क्वींस ने मिलकर तानिया की फेक प्रेगनेंसी प्लान की है जिसके कारण देव की सगाई रुक जाए। ओके, और टीटी को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो उसने बिलीव कैसे कर लिया? अरे वो क्या है ना, देव ने कुछ फेक प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स कहीं से प्रोड्यूस किए। एक्चुअली अक्कू के एक एनजीओ ने उसकी मदद की इस बारे में। हाँ, इसके सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। देख सुमित्रा आंटी ना इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड ओल्ड फैशन है। हम सबको पता है सुमित्रा आंटी को तानिया से कोई दुश्मनी नहीं है, पर वो ये चाहती है कि देव और तानिया का अपना एक बच्चा। As usual, प्रेगनेंसी की प्लान सुनकर सुमित्रा आंटी बहुत खुश हो गई और देव की सगाई रोक दी। और जो हम क्वींस के ऊपर नो एंट्री का बोर्ड लगा था तानिया के घर पे, वो भी हट गया। और ये बात हमने ऑब्वियसली तानिया को नहीं बताई क्योंकि वो ठहरी सत्य की माता और वो इस फेक प्रेगनेंसी वाले प्लान को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने देती। हाँ माया, पर कभी ना कभी तो सच सबके सामने आ जाएगा ना फिर? नहीं नहीं, हमने एक्चुअली देव से मिलकर एक अरेंजमेंट किया है। वो दो तीन दिन में तानिया को कॉन्फिडेंस में ले लेगा और फिर दोनों मिलकर आई एम श्योर एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालेगा। यार तक तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ रॉयल पॉलिटिकल फैमिली के ही बहुत सारे इश्यूज है जो कॉम्प्लिकेटेड और ट्विस्टेड होते हैं। यहाँ तो सबकी लाइफ सेम है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये VLCC एलेक्सीर थेरेपी आप लोग जरूर ट्राई करें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स फैमिली और कोलीग्स को भी इसे यूज करने के लिए जरूर एनकरेज करें। एंड ट्रस्ट मी, ये जो वेट लॉस प्रोग्राम है ना, आपको वेडिंग सीजन के लिए एकदम फिट एंड फैबुलस कर देगा। और हाँ, दिस इज सो नेचुरल, सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ, राइट? और आप दिखेंगी यंग एंड रिफ्रेश्ड, स्पेशली आप मिसेस सब्रवाल। सो अकीरा, बाकी के थेरेपीज के क्या अपडेट्स हैं? ऑल गोइंग गुड मैम, लेकिन पुष्कर सर है ना, अपने सेशन सेटल नहीं कर रहे। इनफैक्ट आपके एनिवर्सरी के दिन से VSCC कभी आए ही नहीं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
Just relax, Mr. Bien. Timer on था. अगर मैं नहीं आता तो आप लोग हार जाते. What does he think of himself? आपने कुछ बोला मैम? नहीं. तुम एक काम करो, तुम पुष्कर को कॉल करो और उसे रिमाइंड करो कि उसके सेशंस बाकी हैं. स्पीकर मोड में डाल देती हूँ मैं. नहीं उठा रहा मैं. इसे ट्राई कर. ओके. हेलो. हाय सर, आप वेलनेस सेंटर नहीं आ रहे हैं? या आई नो, पर ये तुम पूछ रही हो या कोई और? कोई नहीं पूछ रहे सर. एक्चुअली ये एक रिमाइंडर कॉल है जो हम उन क्लाइंट्स को करते हैं जो अपना सेशंस मिस करते हैं. या ऑफ कोर्स. एनीवे, तुम मिसेस बियानी को बताना कि मैं आउट ऑफ टाउन. वापस लौटते ही मैं अपने सेशंस रेगुलरली अटेंड करूंगा. ठीक है? ओके सर. थैंक यू सर. बाय. थैंक यू. यू कैरी ऑन. Impossible. इस प्रोजेक्ट पे अप्रूवल मिलना इज इम्पॉसिबल. भूल जाइए. सर कैसे पॉसिबल नहीं होगा? देखिए ये प्रोजेक्ट मेरे और मेरे कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज कुछ कीजिए. इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले मुझे इस प्रोजेक्ट पर ग्रीन सिग्नल चाहिए. सर प्लीज कुछ कीजिए. नामुमकिन. सी, आई कैन ओनली ऑफर यू माय सिंपैथी. बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता. और अगर होगा भी तो उसमें 3-4 महीने लग जाएंगे क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है. सर ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? इतना घुमाने के बाद हमारी फाइल आपके ऑफिस में महीनों से पड़ी है. और चुप. इन दोनों को बाहर छोड़ो. दिस मीटिंग इज ओवर. यस सर. सर सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी. मेरा इंटेंशन आपको ऑफेंड करना नहीं था. सर देखिए कोई तो तरीका होगा ना. मतलब आप जैसे मिनिस्टर के लिए तो सब पॉसिबल है. पॉसिबल? ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस पॉसिबिलिटीज. लेकिन किंजल तुम जरा बाहर वेट करोगे? यस मैम. सर मेरी वो 2% वाली कमीशन की बात हो गई है आपकी पीए से. आप कहें तो मैं और परसेंटेज बढ़वा सकती हूँ. देयर इज नो प्रॉब्लम. भगवान का दिया बहुत पैसा है मेरे पास जानवी जी. और लेके क्या करूंगा? आपके ये घुंघराले घुंघराले बाल बहुत खूबसूरत. इतनी अच्छी खुशबू सीधा दिल में उतर जाती है. क्या लगाती है? सर ये प्रोजेक्ट पे अप्रूवल कब मिलेगा? मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा. पहले एक दूसरे को थोड़ा समझ लें.
देखिए आप इतनी हॉट हैं, इतनी खूबसूरत हैं, आप हीरोइन बनने के बारे में क्यों नहीं सोचती? देखिए सर, आप जो सोचने समझने की बात कर रहे हैं वो मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी खूबसूरत हैं। देखिए, अगर आपको ये प्रोजेक्ट इम्प्रूव करवाना है तो थोड़ा गिव एंड टेक करना होगा। मतलब आप मुझे कुछ दीजिए और मैं प्रोजेक्ट अप्रूव करवाता हूँ। बार्टर सिस्टम? सर, मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ। इनफैक्ट मैं वो सब कर भी सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली सर, हमारा क्रॉस कनेक्शन हो गया है। आपको जिसकी तलाश है वो मैं नहीं हूँ। क्या मतलब? सर, मेरा मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।